मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को टीम ने संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया है। क्विक रेस्पॉन्स टीम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नगर निगम की टीम द्वारा बांजरावाला क्षेत्र में 20 लोगों के चालान किए गए, जिसमें 1,10,900 का अर्थदंड लगाया गया। वहीं नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक अब तक 76 चालान काटे गए हैं, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक राशि की चालानी कार्रवाई की। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुँची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोर पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था, लार्वा काफ़ी पाए एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1,00,000 रुपये तक का। और अतिथि तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे गए, जिसमें लगभग 4,90,000 की धनराशि जो है शास्ति के रूप में आरोपित की गई है।